हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर द निशा ब्लॉगर पर। एंड माफ़ी चाहूँगी गाइस, मैं इतने दिन से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि दूसरी वीडियो पे मुझे यूट्यूब का कंटेंट शेम की वजह से मैसेज आ गया था, जिससे मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि करना चाहिए। तो मैं अपने घर भी आ चुकी हूँ, आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा, वो मेरी मम्मी का घर था, खुला में है, ये कॉलोनी में है, तो थोड़ा उसमें आ गया होगा। एंड गाइस, दो वीडियो में मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिखा, मुझे कोई भी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। तो आपसे यही विनती कर रही हूँ, कंटिन्यू तो कर रही हूँ, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आपको मेरी हालत देख के समझ में आ रहा होगा, हालत देख के, बट थोड़ा सा रहता है ना कि मतलब सपोर्ट मिलता है तो इंसान की इच्छा भी होती है करने की, और फिर कंटेंट सेंड की वजह से थोड़ा मन भी टूट सा गया था। बट मैं यही आज से ही रेगुलरली वीडियो अपलोडिंग करूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। इतने भी प्यारे नहीं हो तुम, वो तो हमारी चाहतों ने तुम्हें सर चढ़ा रखा है। शरीफ रहोगे तो दुनिया बदनाम करेगी, और बदनाम रहोगे तो दुनिया सलाम करेगी। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। वाह वाह वाह। जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा, मर के भी मुझको हासिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। सुबह तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटाऊं, मुझे हिसाब तो दे।